भक्त तो कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा सती से कहने लगे, हे सती, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा देते कि रथ इसी समय तैयार करके लाओ और जानकी को वन में छोड़ आओ, आज भक्तों लक्ष्मण राम जी के चरणों में गिर जाते और कहने लगे, हे नाथ, हम पर दया कीजिए, हमारी मैया पर दया कीजिए, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए जो मैया को मैं बन को छोड़ा कि इन विचारों में लखन लगे महाने नीर और मतगत सारी खो गई पथरा गया शरीर। आज लक्ष्मण कहने लगे, हे विधना, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, तुम सारे संसार के त्रिलोकी नाथ हो, तुम जानते हो कि हमारी मैया ऐसी नहीं है। आज लक्ष्मण कहने लगे, हे विधना, कि हे विधना मैया सीता पर क्यों प्रजापात किया तूने, साक्षी हो। आज लक्ष्मण की दशा प्रभु राम देख रहे, सुन रहे हैं और कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये आपको रोना शोभा नहीं देता है, ये अधीरों का काम है। लक्ष्मण, तुम क्यों रोते हो? हम जो आपको आज्ञा दिया है उसी के आधार से काम करो। तुम जानकी को रथ पर बिठा कर वन में छोड़ आओ। आज भक्तों राम लक्ष्मण से कहने लगे, कि बोले, है भैया है लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, Thank you.
अपने आसन से मत डोलो। मैं जानता हूँ सीता निर्दोष ने निसंकल्पनी है, वो जनक नंदनी है, लेकिन अपने आसन से मत डोलो लक्ष्मण, तुम रथ को सजा लाओ। आज भक्तों जब इतने वचन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहने लगे, आज भक्तों वो लक्ष्मण रथ को इधर सजा कर जानकी के कच्छ के पास में आते हैं और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैया जानकी के पास में जाते हैं और कहने लगे हैं, हे भद्रे हे प्राण प्रिय, कि बोले प्यारे भामनी छाया को दो ठोर, ओ करना है जग के लिए थोड़ी लीला। अरे प्यारी भामनी, तुम तो जानती हो हमारा नाम गर्भहारी है, हमें इस जग में थोड़ी लीला और करनी है। जो लंका से तुमको जीत कर लाए हैं उनके कुछ अंदर गर्भ आ गया है, जैसे लक्ष्मण अंगद हनुमान सुग्रीव ये सबके अरमान आ गया है, घमंड आ गया है कि मैं लंका से तुमको जीत कर लाया है। हे प्यारी, इसी के कारण अपने बच्चों के ही द्वारा उनका अभिमान मिटवाएंगे। तुम वन में चली जाओ और अपने ही बच्चों के द्वारा उनका जितना अभिमान है सब चूर चूर कर हो जाएगा। आज भक्तों जानकी अपनी छाई रूपी माया को छोड़कर अंतर ध्यान हो जाती है, एक नकली माया की सीता बनकर आज जो है बन के लिए तैयार हो जाती है। और प्रभु राम कहने लगे, हे जनक नंदिनी, तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा गर्भहारी नाम है, कि जिन भक्तों के का रण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, जिन भक्तों के का
जानकी से तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात मानकर वह रथ पर रथ के पास में आ जाती है। और इधर भक्तों आज लक्ष्मण रथ सामने ले आते हैं कि या कह पद 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 सुमर बैठी सिया सानंद रथहां का तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। आज भक्तों जानकी रथ पर विराजमान होकर वनवास के लिए चल देती हैं। आज जिस समय रथ चला तो सभी अयोध्यावासी रोने लगे बिलखने लगे। आज सभी अयोध्यावासियों को प्रणाम करते हुए जानकी रथ पर विराजमान होकर चल देती हैं। कौशल के राज मार्ग से जब वो रथ निर्जन को जाता है तो कहीं पर मातम होने लगा, कहीं पर खुशियां मनाने लगे। आज भक्तों जंगल के लिए उजेला होता जा रहा है, आज अयोध्या के लिए अंधेरा होता जा रहा है। आज जानकी रथ पर विराजमान होकर लक्ष्मण के रथ पर आज बन के लिए चल देती हैं। आज जिस समय धीरे 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 उस बन की ओर रथ चलता है, आज बीहड़ जंगल में बन रथ जो पहुंचा गंगा जी के किनारे, तो आज सिया उस रथ से नीचे उतरती है कि उसी समय वो रथ रुका गंगा जी के तीर ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धरवाधी। आज भक्तों बीहड़ जंगल में जब रथ रुका तो उसी विपिन में लखन ने बाघ डोली था रथ से नीचे उतर को मां को किया प्रणाम। आज जिस समय लक्ष्मण रथ के नीचे उतर जाते हैं और जानकी नीचे आ जाते हैं, आज जानकी कहने लगी हे कौशल के छोटे राजा, हमें क्या आज्ञा दी प्रभु तुम्हारे भैया ने। आज लक्ष्मण इतनी जानकी इतनी बात कहती लक्ष्मण आ रोने लगे, कहने लगे हे मैया, आज लक्ष्मण ये नहीं बता रहे कि हम तुमको वन में छोड़ने के लिए आए हैं। आज जानकी कहने लगे तुम रघुकुल के छोटे राजा हो, तुम किस कारण रो रहे हो हमें बताओ लक्ष्मण। आज जानकी कहने लगे
पिहे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो अगुलाते हो, छोटे राजा हो, एक छत्री होकर एक छत्राणी को रुलाते हो, क्या कारण है लक्ष्मण? आज भक्त लक्ष्मण कहने लगे, हे मैया, भैया ने आज्ञा दी है कि जानकी को वन में छोड़ आओ। हे मैया, भैया की आज्ञा है कि तुम्हें हमेशा के लिए वन में छोड़ आओ। आज भक्तों जानकी जब इतनी बात सुनती है तो कहने लगी, बस इतनी ही सी बात, तुम क्यों चिंता करते लक्ष्मण? हम खुद वन को आना चाहती थी, तुम्हारे भैया ने अच्छी राह दी है।